क्या दिक्कत है? बुलाऊं पुलिस को भी? पुलिस को बुलाएगी? ओ, पुलिस को बुलाएगी? पुलिस को बुलाएंगी आप? बुला पुलिस को। जानती मैं कौन हूँ? अरे बहुत देखिए तेरे जैसी, सीधी खड़ी रहे यहाँ पे वरना। अरे तो इनका रोज क्या पता है, पिछले महीने उन्होंने एक लड़की को जान से मारा। सीधी खड़ी रहे, समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ क्या समझती है अपने आप को? बुला पुलिस को, बुला पुलिस को। कब बचाने आओगे इस लड़की को? जब मैं इसे गोली मार दूंगा तब, या जब इसकी चीखें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। यहाँ ये लड़की मुसीबत में है और सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। कोई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा? कल इसकी मौत के बाद इसी की फोटो इंडिया गेट के आगे लगा देना और जला डालना सैकड़ों मोमबत्तियां। उतर जाना सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर, कर देना सारी रोड्स जाम, हिला देना इस देश का पूरा लॉ एंड ऑर्डर, लड़ जाना इस देश की गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से बाद में लड़ना, पहले अपने आप से लड़ना सीखो, अपनी कायरता से लड़ना सीखो, अपने अंदर छिपे इस दिखावे के कीड़े से लड़ना सीखो, आगे आकर सामना करना सीखो। क्या फायदा आपकी प्रोटेस्ट का जब आप जरूरत पड़ने के मौके पे शांत हो जाते हैं? आज हर एक आदमी व्हाट्सएप पिक्चर में तिरंगे की प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहता है, देशभक्ति का स्टेटस अपडेट करना चाहता है, या कोई सिस्टम के लिए अपना गुस्सा दिखाना चाहता है। लेकिन क्या फायदा ऐसी देशभक्ति का जो सिर्फ और सिर्फ आपके फेसबुक प्रोफाइल तक ही सीमित है? होंगे यहाँ भी आज बहुत लोग जो आगे बढ़ के कुछ नहीं कहते, लेकिन इस तमाशे की वीडियो बना देते और डाल देते सोशल नेटवर्किंग साइट पे और बता देते कि कितना घिनौना है हमारा देश। क्योंकि यही तो है हमारा देश, क्योंकि ये है यहाँ के लोग, ये है यहाँ का यूथ जो भलाई दिखाना तो जानता है लेकिन भलाई करना नहीं। यहाँ प्रोटेस्ट भी होता है तो किस लिए? फेसबुक कवर पेज के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि आप लोगों के अंदर कितना गुस्सा है? क्यों एक लड़की आज कुछ शैतानों के पैरों तले रौंद दी जाती है और उसके इंसाफ में उसे मिलती है न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन, सिर्फ हेडलाइन? या फिर आप लोगों का प्रोटेस्ट और ये कुछ समय की हमदर्दी? मेरी बहन थी वो, बहुत खुश थी उस दिन, लेकिन कुचल डाला उसे दरिंदों की हैवानियत ने, मार डाला उसे आप सबकी कायरता ने, आप सबकी इस खामोशी ने, आप सबके इस दिखावे ने। I'm sorry, मैडम, माफ कर दीजिए मुझे।